अभी हमारे मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जो पटना यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शरीक हो रहा हूं। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं और मैंने देखा है कि पहले जितने प्रधानमंत्री हो गए वो कई अच्छे काम मेरे लिए बाकी छोड़ के गए। और वैसा ही अच्छा काम करने का मुझे आज सौभाग्य मिला है। मैं सबसे पहले इस पवित्र धरती को नमन करता हूं। क्योंकि आज हमारा देश जहां भी है उसे यहां तक पहुंचाने में इस यूनिवर्सिटी कैंपस का बहुत बड़ा योगदान है। चीन में एक कहावत है कि अगर आप साल भर का सोचते हैं तो अनाज बोइए, अगर आप 10-20 साल का सोचते हैं तो फलों का वृक्ष बोइए, लेकिन अगर आप पीढ़ियों का सोचते हैं तो आप मनुष्य को बोइए। ये पटना यूनिवर्सिटी उस बात का जीता जागता सबूत है कि 100 साल पहले जो बीज बोया गया 100 साल के भीतर अनेक पीढ़ियां यहां आकर के मां सरस्वती की साधना करके आगे निकल गए, लेकिन वो साथ साथ देश को भी आगे ले गई। यहां पर कुछ राजनेताओं का जिक्र हुआ, इसी यूनिवर्सिटी से निकल करके किस प्रकार से भिन्न भिन्न स्थानों पर उन्होंने सेवाएं की है, लेकिन मैं आज अनुभव से कह सकता हूं आज हिंदुस्तान का शायद ही कोई राज्य ऐसा होगा जहां सिविल सर्विस का नेतृत्व करने वाले पहले 5 लोगों में बिहार की पटना यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी न हो, ये हो नहीं सकता। इन दिनों में भारत सरकार में राज्यों से आए हुए हर छोटे मोटे अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर रहा हूं। मेरी 80-90-100 लोगों से बात करने के लिए बैठता हूं, 1.5-2 घंटे बातचीत करता हूं और मैं अनुभव करता हूं कि उसमें सबसे बड़ा बल बिहार का होता है। एक प्रकार से बिहार ने सरस्वती की उपासना में अपने आप को खपा दिया है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब हमें सरस्वती और लक्ष्मी दोनों को साथ साथ चलाना है। बिहार के पास सरस्वती की कृपा है, बिहार के पास लक्ष्मी की कृपा भी बन सकती है, और इसलिए भारत सरकार की सोच ये सरस्वती और लक्ष्मी का मिलन करते हुए
बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। और मुझे विश्वास है नीतीश जी का जो कमिटमेंट है, बिहार के विकास के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है, और भारत सरकार पूर्वी भारत के विकास के लिए संकल्पबद्ध है, ये दोनों अवधारणाएं 2022 जब देश आजादी के 75 साल मनाए तो मेरा बिहार राज्य भी हिंदुस्तान के समृद्ध राज्यों की बराबरी में आंकड़े खड़ा रहे, उस संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा। हमारे ये पटना नगरी गंगा जी के तट पर है, और जितनी पुरानी गंगा धारा है बिहार उतनी ही पुरानी ज्ञान धारा का विरासत का मालिक है। जितनी पुरानी ज्ञान धन गंगा की विरासत है आपकी, जैसे जितनी पुरानी गंगा धारा की विरासत आपके पास है। और हिंदुस्तान में जब भी चर्चा आती है नालंदा विक्रमशिला को कौन भूल सकता है, मानव जीवन के संशोधन के क्षेत्र के शायद ही कोई ऐसे क्षेत्र रहे होंगे जिसमें सदियों से इस धरती का योगदान न रहा हो, इस धरती का नेतृत्व न रहा हो, जिसके पास इतनी बड़ी अहम विरासत हो, वो विरासत अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा होती है। और जो अपने समृद्ध इतिहास का स्मरण रखता है उसी की कोख में भावी इतिहास गर्भाधान करता है। जो इतिहास को भूल जाता है उसकी कोख बांझ रह जाती है, और इसलिए भावी इतिहास के निर्माण का गर्भाधान भी समृद्ध शक्तिशाली भव्य दिव्य भारत का सपना भी उसका गर्भाधान इसी धरती पर संभव है, और इसी धरती पर से पुलकित होने का सामर्थ्य है, क्योंकि इसके पास वो महान ऐतिहासिक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, जीते जागते उदाहरण है। मैं समझता हूं इतना बड़ा सामर्थ्य शायद ही किसी के पास होगा। एक समय था जब हम यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज में सीखने के लिए जाते थे, लेकिन वो युग समाप्त हो चुका है। आज विश्व जिस तेजी से बदल रहा है, मानव की सोच जिस प्रकार से बदल रही है, सोचने का दायरा जिस प्रकार से बदल रहा है, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जीवन की सोच को, जीवन के व्यवहार को, वे ऑफ लाइफ को आमूलचूल परिवर्तन कर रहा है, तब हमारी यूनिवर्सिटीज भी, यूनिवर्सिटी में आने वाले हर नए विद्यार्थी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती ये है, चुनौती ये नहीं है कि नया क्या सिखाएं, चुनौती ये है कि पुराना जो सीख करके आया है उसे कैसे भुलाएं।
अनलर्न करना, डीलर्न करना और बाद में रीलर्न करना, ये आज के युग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। फोर्ब्स मैगजीन के मिस्टर फोर्ब्स ने एक बार कहा था, शिक्षा की बड़ी मजेदार परिभाषा उन्होंने की। उन्होंने कहा कि शिक्षा का काम है दिमाग को खाली करना। हमारी सोच क्या रही? दिमाग को भरना, रटते रहना, नई नई चीजें रटते रहना, भरते रहना। फोर्ब्स का कहना है शिक्षा का उद्देश्य है दिमाग को खाली करना, और आगे कहा दिमाग को खुला करना। अगर सच्चे अर्थ में युगानुकूल परिवर्तन लाना है तो हम सबको भी हमारी यूनिवर्सिटीज में दिमाग खाली करने का अभियान चलाना होगा, दिमाग खोलने का अभियान चलाना होगा। जब खुलेगा तो चारों तरफ से नए विचारों का प्रवेश की संभावना बनेगी, जब खाली होगा तो नए भरने के लिए जगह बनेगी। और इसलिए आज की यूनिवर्सिटीज उसे लर्निंग, टीचिंग नहीं, लर्निंग को बल देते हुए आगे चलना। और समय की मांग है कि हम हमारे शिक्षा संस्थानों को उस दिशा में कैसे ले जाएं। मानव संस्कृति के विकास यात्रा को देखा जाए तो एक बात जिसमें कंसिस्टेंसी है, सातत्य है, और वो है इनोवेशन, नवाचार। हर युग में मानव जात कोई न कोई इनोवेशन करते हुए अपनी लाइफस्टाइल में उसको जोड़ते चले गए हैं। और आज इनोवेशन एक बहुत बड़े कंपटीशन के कालखंड से गुजर रहा है। दुनिया में वही देश प्रगति कर सकते हैं जो देश इनोवेशन को प्राथमिकता देते हैं, संशोधन को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन संशोधन ये सिर्फ मॉडिफिकेशन नहीं है, वो सिर्फ कॉस्मेटिक चेंज को संशोधन नहीं माना जाता है। विज्ञान के, जीवन के मूलभूत मूल्यों और सिद्धांतों के ऊपर काल बाह्य चीजों से मुक्ति पाने का रास्ता ढूंढना और भविष्य को ध्यान में रखते हुए नए रास्ते इंगित करना, नए संसाधन इंगित लाना और जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना, ये समय की मांग है। और जब तक हम हमारी सारे क्षेत्र, और जरूरी नहीं है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी संशोधन का क्षेत्र है, समाज शास्त्र भी इनोवेटिव वे में समाज को दिशा दे सकता है। और इसलिए हमारी यूनिवर्सिटियों का महत्व है आने वाले युग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। और विश्व जिस प्रकार से ग्लोबलाइज हुआ है तो कंपटीशन भी ग्लोबलाइज हुई है, स्पर्धा भी वैश्विक हुई है। और आज हम सिर्फ अपने ही देश में स्पर्धा करने से चलता नहीं है, अड़ोस पड़ोस से स्पर्धा कर इतना चलता नहीं है, एक वैश्विक परिस्थिति में और भविष्य की परिस्थिति के संदर्भ में भी हमें उस स्पर्धा को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना है। देश को अगर आगे बढ़ाना है, नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, बदलते हुए विश्व में हमें अपनी जगह ताकत के साथ खड़ी करनी है, तो हमारी युवा पीढ़ी के द्वारा इनोवेशन को जितना बल दिया जाएगा हम दुनिया के अंदर एक ताकत के साथ खड़े रहेंगे। जब आईटी रिवॉल्यूशन आया, किस प्रकार से विश्व का
भारत के प्रति सोचने का बदलाव शुरू हुआ, वरना दुनिया हमें हमेशा साफ सफेदों वाला देश मानती थी। दुनिया की यही सोच थी कि भारतीयों ने काला जादू, भारतीयों ने भूत प्रेत, भारतीयों ने अंधश्रद्धा, भारतीयों ने सांप और सपेरे की दुनिया। लेकिन जब आईटी रिवॉल्यूशन में जब हमारे देश के 18-20 साल के बच्चे उंगलियों पर दुनिया को एक नई दुनिया दिखाना शुरू कर दिया तो विश्व चौकन्ना हो गया कि ये क्या चीज लेकर के बच्चे बता रहे। भारत की तरफ देखने का नजरिया बदल गया। मुझे बराबर याद है जब मैं कई वर्षों पहले एक बार ताइवान गया था, तब तो मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, कई चुनाव की दुनिया से मेरा नाता नहीं था, वहां की सरकार के निमंत्रण पर गया था। तो मेरे साथ एक इंटरप्रेटर था, 10 दिन के मेरी वहां टूर थी। वो इंटरप्रेटर मुझे बातचीत के माध्यम के रूप में मेरे साथ रहता था। अब 10 दिन साथ रहे तो थोड़ी परिचय हो गया, थोड़ा दोस्ती सा हो गया। तो 6-8 दिन के बाद उसने एक दिन मुझे पूछा, बोले साहब आपको बुरा ना लगे तो मुझे कुछ जानकारी चाहिए। मैंने कहा जरूर पूछिए। बोले आपको बुरा नहीं लगेगा ना? मैंने कहा नहीं नहीं लगेगा, बताइए ना क्या है। ठीक है साहब, फिर बाद में एक बात करता हूं। संकोचवश वो बोल नहीं पाया। फिर दोबारा जब हम ट्रैवलिंग में साथ थे, मैंने फिर से निकाला, मैंने कहा भाई तुम वो पूछ रहे थे क्या था? बोले साहब मुझे बड़ा संकोच होता है। मैंने कहा चिंता मत करो, तेरे मन में जो है पूछो मुझे। वो कंप्यूटर इंजीनियर था। तो उसने कहा साहब यह हिंदुस्तान अभी भी वैसा ही है, साफ सफेरे वाला, जादू टोना वाला। वो मेरी तरफ देखता रहा। फिर मैंने उसको कहा मुझे देख करके क्या लगता है? तो थोड़ा वो संकोच में पड़ गया, थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करने लगा। बोले सॉरी सॉरी सर, मैंने कुछ गलत पूछ लिया। मैंने कहा ऐसा नहीं भाई, तुमने ठीक पूछा है। मैंने कहा तुम्हारे मन में ये जो तुमने अरे जानकारी है, लेकिन अब हमारा थोड़ा पहले जैसा नहीं रहा है, थोड़ा डीवैल्यूएशन हुआ है। बोले वो कैसे? मैंने पहले हमारे जो पूर्वज थे वो सांप से खेला करते थे, हमारी जो नई पीढ़ी है वो माउस से खेला करती है। वो समझ गया कि मैं किस माउस की बात कर रहा हूं। वो गणेश जी वाला चूहा नहीं, वो कंप्यूटर वाला चूहा था। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये चीजें हैं जो देश की ताकत बढ़ाती है। लेकिन कभी कभार हम सिद्धांतों के आधार पर एक आध प्रोजेक्ट लेकर के, एक आध इनोवेटिव चीज बना करके शायद प्राइज भी जीत लेते हैं। लेकिन आज हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ी आवश्यकता ये है, और मैं 100 साल पुरानी पटना यूनिवर्सिटी जिसने देश को बहुत कुछ दिया है उस पवित्र धरती से देश भर के नौजवानों को आज आह्वान करता हूं, विद्यार्थियों को आह्वान करता हूं, फैकल्टीज को आह्वान करता हूं, यूनिवर्सिटीज को आह्वान करता हूं कि हम हमारे आस पास जो समस्या देखते हैं, सामान्य मानवी की जो कठिनाइयां देखते हैं, उसके समाधान के लिए कोई इनोवेटिव वे ढूंढ सकते हैं क्या? उसके लिए कोई नई टेक्नोलॉजी ढूंढ सकते हैं क्या? उसके लिए टेक्नोलॉजी सस्ती हो, सरल हो, अफोर्डेबल हो, यूजर फ्रेंडली हो। अगर एक बार ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के इनोवेशन को हम बल देंगे, वो आगे चल करके स्टार्टअप में कन्वर्ट होगा। हिंदुस्तान के नौजवान स्टार्टअप के माध्यम से यूनिवर्सिटी की शिक्षा दीक्षा का इनोवेशन,
भारत सरकार की बैंकों के मुद्रा योजना से बैंकिंग मदद और स्टार्टअप की दिशा में कदम आप कल्पना नहीं कर सकते। आज दुनिया में हिंदुस्तान स्टार्टअप की दुनिया में चौथे नंबर पर खड़ा है। देखते ही देखते हिंदुस्तान स्टार्टअप की दुनिया में अग्रिम पंक्ति में आ सकता है। और अगर वो आर्थिक विकास की एक नई दुनिया हिंदुस्तान के हर कोने में हर युवा के हाथ में स्टार्टअप को लेकर के कुछ करने का इरादा हो तो कितना बड़ा परिवर्तन और परिणाम मिल सकता है इसका मैं भली भांति अंदाज कर सकता हूं। और इसलिए देश की यूनिवर्सिटियों को मैं निमंत्रण देता हूं, मैं पटना यूनिवर्सिटी को विशेष रूप से निमंत्रण देता हूं कि आइए इनोवेशन को हम बढ़ावा दें, हम दुनिया से आगे निकलने के लिए अपनी महारत हासिल करें। और भारत के पास टैलेंट की कमी नहीं।